महल में और उसके आसपास चारों ओर ढूंढा, किंतु राजकुमार प्रहलाद कहीं नहीं मिले। यही समाचार देने आए हो हमें? दुखद समाचार सुनाने से पहले हमारी जय जयकार करते हो? क्यों, किस लिए? जिससे हम तुम्हारी जयकार सुनकर प्रसन्न हो जाए और फिर तुम्हारी असफलता का समाचार सुनकर अप्रसन्न हो जाए। दैत्यराज, हमने दूर दूर प्रहलाद की खोज में अपने विशेष सैनिक भेजे हैं। वे माता और पुत्र दोनों को अवश्य ही खोज निकालेंगे। हमें खोजने के लिए अब कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पिताश्री, पुत्र मोह के कारण माता मुझे दूर ले गई थी, किंतु अब मैं श्री हरि विष्णु के विश्वास के कारण लौट आया हूँ। आपको मेरे कारण प्रतीक्षा और खोज करने के लिए जो कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए मुझे क्षमा करें। दुष्ट बालक, इतनी छोटी सी आयु में तू ज्ञानियों की भाषा बोलता है, हमसे क्षमा मांगने का नाटक करता है। उससे हमें आश्चर्य कम और क्रोध अधिक आता है। ये सब हुआ कैसे? इतनी छोटी सी आयु में तेरी जीवा इतनी लंबी कैसे हो गई? जो कुछ होता है उमरी की कृपा से ही होता है पिताश्री। फिर आया तेरी वाणी में तेरे प्रभु का नाम। अरे दुष्ट, फुल कलंक, जिस हिरण्यकश्यप के नाम से तीनों लोग कांपते हैं, उसके सामने खड़ा होकर तू हमारे शत्रु विष्णु का नाम लेने का दुस्साहस कैसे कर लेता है? सब उमरी की कृपा है पिताश्री। पितृद्रोही, हमारी उपस्थिति में बार बार तू हमारे शत्रु का नाम लेकर हमारे क्रोध की अग्नि को और भी प्रज्वलित कर रहा है। हमारी अवहेलना कर तू हमारे शत्रु का गुणगान किसके बल और साहस पर कर रहा है? दुष्ट, श्री हरि विष्णु के बल और विश्वास पर। और मैं आपकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ और कर भी नहीं सकता। मैं आपका पुत्र हूँ। मुझे आपसे पिता का स्नेह प्राप्त हो अथवा ना हो, मुझसे आपको पुत्र का आदर और सम्मान प्राप्त अवश्य होगा और सदा होता रहेगा। और पिताश्री, मैं सम्मान और आदर सहित आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो यह धारणा है कि आप सर्वशक्तिमान हैं और तीनों लोग आपके भय से कांपते हैं, आप इस धारणा और भ्रम से मुक्त हो जाएं। इसी में सारी दैत्य जाति का हित होगा। इस जगत में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ केवल श्रीहरि विष्णु हैं। छोटे बड़े सभी चराचर जीव उन्हीं के अधीन हैं। प्रहलाद, तू अपनी इस वाचालता का परिणाम जानता है? पिताश्री, परिणाम बुरा होता है, बुरी वाणी, विचार और कर्म का। मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं कहा है। सत्य को कहने से रोकना अवश्य बुराई होती है, परम सत्ता की श्रेष्ठता को न स्वीकार करना भी बुराई होती है। जगत की रीति तो ये कहती है कि पिता को अपने पुत्र को बुरा करने से रोकना चाहिए, किंतु कभी कभी स्थितियाँ बदलती भी हैं पिताश्री। इसीलिए मैं ये कहने पर बाध्य हूँ कि आप अपना आसुरी भाव त्याग कर सत्य को स्वीकार करें। और सत्य ये है कि श्रीहरि विष्णु की इच्छा के बिना न आप बोल सकते हैं और न मैं सुन सकता हूँ, और न मैं बोल सकता हूँ और आप सुन सकते हैं। इसीलिए इस सत्य को मान लेने में कुछ भी बाधा नहीं होनी चाहिए कि श्रीहरि विष्णु ही परम परमेश्वर, सृष्टि के नियंता और पालक हैं। ओम हरि। ओम हरि। चित्कार दुर्बल मन का परिचय देती है पिताश्री। यदि आप ये अनुभव करें कि परमेश्वर जगत के कण कण में व्याप्त हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ और सर्व कल्याणकारी हैं, उनका विरोध करके किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो फिर चित्कार करके आपको क्या लाभ होगा? मेरी आपसे फिर वही प्रार्थना है कि आप अभिमान त्याग कर उन्हें जगत का स्वामी स्वीकार करें पिताश्री। तो क्या तेरा विष्णु जगत के कण कण में समाया हुआ है? हाँ पिताश्री। तो वो मुझसे भयभीत क्यों है? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? उनको देख
देखने से पूर्व उन्हें अपना बनाना पड़ता है, उनका बनना पड़ता है, और फिर उन्हें बुलाओ तो वो दौड़े चले आते हैं। तो बुलाओ उसे, आने दे उसे दौड़ते हुए, मैं भी तो देखूं कि उसका रूप कैसा है, कितनी शक्ति है उसमें, विश्वास है तो बुला, 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 बुला। है विश्वास के ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, है विश्वास के ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, सदा रहे हैं सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे पास, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। मेरी रक्षा वो ही करेंगे, हूँ संतान में जिनकी, अंग संग मेरे हर पल वो है, हूँ पहचान में जिनकी, वो बालक है मैं बालक हूँ, वो स्वामी मैं दास, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। भक्ति में कितनी शक्ति है मूर्ख को समझाओ, जगत पिता अब मेरे पिता को ऐसा रूप दिखाओ, किस में कितना बल है उनको हो जाए मेरा ये विश्वास, है विश्वास के ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, सदा रहे हैं सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे पास, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, 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 हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। प्रणाम कर रहा है, कहाँ है तेरा भगवान? पिताश्री, अभी अभी मैंने इस खंबे में श्री हरि विष्णु के दर्शन किए। तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ पिताश्री, श्री हरि विष्णु यहाँ वहाँ इधर उधर जहाँ भी देखो सर्वत्र हैं। आप इस खंबे में देखना चाहें तो वे वहाँ भी दिखाई देंगे।
यदि तेरा भगवान इस खंभे में छिपा हुआ है तो मैं उसे अभी इसी समय समाप्त करता हूँ। तुझे और तेरे भगवान दोनों को यही समाप्त कर दूंगा। देखता हूं कि अब तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है।
हे जगत के पालनहार, हे जगत के पालनहार, अपनी लीला को समेट लीजिए। हे श्री हरि विष्णु, आपने नरसिंह अवतार लेकर मेरे वरदान को यथार्थ कर दिया, अपने भक्त की रक्षा की। अब शांत होकर अपने मूल स्वरूप में आ जाइए। हाँ प्रभु, हिरण्यकश्यप की भयंकरता को समाप्त करने के लिए आपने उससे भी अधिक भयंकर रूप धारण किया, आपकी लीला सफल हुई प्रभु। हे भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु, आप सभी को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, स्थिति और सत्य को भलीभांत समझ लें कि नरसिंह अवतार का प्रयोजन प्रह्लाद के हित के लिए ही हुआ है। प्रह्लाद और नरसिंह का संबंध भक्त और भगवान का अटूट और प्रगाढ़ संबंध है। भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान भक्तों के वश में होते हैं। इसलिए हे भक्त प्रह्लाद, तुम भी यह सत्य जानो कि तुम्हारे निमित्त ही भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ है। प्रह्लाद, आगे बढ़ो और इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। हर हर महादेव। ओम हरि। हे जगत के पालनहार, इस अभूत बालक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। राज्य का राजा घोषित करना और भी शेष नहीं रहेगा, हमारे लक्ष्य की भांति अवश्य पूर्ण होगा। आप सबके लक्ष्य तो पूर्ण हो गए, अब कृपा कर मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। तुम्हारी क्या अभिलाषा है प्रह्लाद? भगवान, आपका दिव्य विराट रूप देखने की इच्छा है। भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इस रुदन से क्या लाभ होगा? मैंने तो तुम्हें और पुत्रों को समझाया था कि अनुचित महत्वाकांक्षाएं प्राणी को मृत्यु और पश्चाताप के समीप ले जाती हैं, किंतु मेरी बात पर न तुमने कभी ध्यान दिया न पुत्रों ने। परिणाम सम्मुख है, उन दोनों ने धर्म की सीमाओं का उल्लंघन करके तथा निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करके अपने अपकर्मों का प्राणांतक दंड पाया है। यह दंड भी इतना दारुण और पीड़ाकारक नहीं है, कारण कि भगवान विष्णु के हाथों मरकर उन्हें सदगति प्राप्त हुई है। विष्णु, विष्णु नाम न लो उस विष्णु का, वही तो हमारी दैत्य जाति का प्रबल शत्रु, उसी ने मेरे पुत्रों के प्राण हरे हैं। हरि अथवा हर जब प्राण हरते हैं तो आत्मा का कल्याण ही होता है। दीदी, मेरे पुत्रों के हत्यारे का नाम न लो बार बार, मेरा हृदय फटने लगता है। चिंता न करें माता, अभी दुंदुभि निनाद जीवित है, आप व्यथित ना हो। मैं विष्णु और उसकी आराधक देवताओं से दैत्यराज हिरण्यकश्यप की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा।
अवश्य लूंगा उनकी मृत्यु का प्रतिशोध। मैं तपस्या करके ऐसी स्थिति प्राप्त करूंगा जैसी आज तक किसी ने प्राप्त की होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम अपने कार्य में सफल हो जाओगे उस दिन मेरे हृदय की ज्वाला शांत होगी। सावधान दुंदुभी, यदि तुमने धर्म के विरुद्ध कोई आचरण किया जैसा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने किया था तो तुम भी उन्हीं की भांति नष्ट हो जाओगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राम माता विजयी भव। जय हो, जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की। जय हो, जय हो, जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की। जय हो, जय हो, जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की। जय हो, जय हो, जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की। जय हो, जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की। जय हो, जय जय दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की। जय हो, जय हो, जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की। जय हो, जय हो, जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की। जय हो, जय हो, जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की। जय हो। देवराज इंद्र की जय। आपको पुनः स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कराने का श्रेय भगवान शिव तथा भगवान श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार को। अतः आपको उन दोनों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हाँ स्वामी, गुरु बृहस्पति सत्य ही कह रहे हैं। इसमें संदेह नहीं देवराज कि भगवान शिव शंकर और श्री हरि विष्णु की कृपा से ही हमें पुनः स्थान प्राप्त हुआ है। उनका आभार मानना हमारा कर्तव्य है देवराज। हम आपके विचार से सहमत है पवन देव, हमें उनका आभार मानना ही चाहिए। नारायण नारायण। आभार अवश्य व्यक्त करें देवराज, अवश्य व्यक्त करें, परंतु उसके पश्चात सावधान भी रहे। सावधान रहे? ये क्या कह रहे हैं देवर्षि आप? आप कहना क्या चाहते हैं? हिरण्यकश्यप तो अब मारा जा चुका है। मारा अवश्य गया है देवराज, किंतु उसका प्रतिरूप सेनापति दुंदुभि निनाद वो तो जीवित है। उसका मारा जाना अभी शेष है। अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए वो घोर तपस्या कर रहा है। वो देवताओं को शांति से बैठने नहीं देगा। देवर्षि अब आप ही बताएं हमारे लिए क्या उचित है और हमें क्या करना होगा। क्या करना होगा? देवराज सबके दुख हरता भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। नारायण नारायण। अब हमें दुंदुभि निनाद की तपस्या भंग करनी ही होगी। जय हो, जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की। जय हो, जय हो। दैत्य शत्रु देवताओं, अब मैं तुमसे और तुम्हारे आराध्य विष्णु से एक एक करके प्रतिशोध लूंगा। तुम किसी भ्रम में ना रहना दुंदुभि निनाद, हम तुम्हारी कामना पूर्ण ही नहीं होने देंगे। और हमसे प्रतिशोध लेने की तुम्हारी कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। पूर्ण नहीं होगी। मैं दिखाता हूं तुम्हें अपनी दैत्य शक्ति की सिद्धियां। Ha ha ha!
क्या हुआ? क्या हुआ दुंदुभी? वही हुआ माता, जो सदैव होता आया है। ये देवता मेरी तपस्या भंग करने आए थे, परंतु उन्हें ज्ञात ही नहीं कि मुझे वनचर और जलचर बन जाने की सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। भाग गए ये बलहीन, ये सिद्धिहीन, ये शक्तिहीन। तो ये देवता तुम्हारी तपस्या भंग करने आए थे? दुंदुभी, तुम इन देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए कोई नया उपाय अपनाओ। हाँ, तुम बाघ और मगर बनकर उन ब्राह्मणों का भक्षण करो जो इन देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। जब यज्ञ ही नहीं होगा तो विष्णु शिव और देवताओं को अपना यज्ञ भाग ही नहीं मिलेगा और वे शक्तिहीन हो जाएंगे। इन देवताओं से प्रतिशोध लेने का यही सर्वोत्तम उपाय है। हाँ माता, आपका सुझाव उत्तम है, मैं ऐसा ही करूंगा। प्रणाम। चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। स्वामी, आपके भक्तों पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान, अपने भक्तों का संकट दूर करें परमेश्वर। नमः शिवाय। माता, इन ब्राह्मणों का संकट अति पीड़ाकारी है। परंतु इनका संकट है क्या? हिरण्यकश्यप का सेनापति दुंदुभी निनाद अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए बाघ बनकर इन निर्दोष और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का वध करने का प्रयास कर रहा है। माता, आप इनकी सहायता करें। ऐसा करने से क्या प्राप्त होगा उसे? दीति के उकसाने पर वो ऐसा कर रहा है। दीति के अनुसार ऐसा करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और अन्य देवगण से प्रतिशोध लिया जा सकता है। उस दुष्ट का अंत अब निकट आ गया है। निर्दोष भक्तों को पीड़ित करके वो स्वयं कब तक जीवित रह सकेगा? आवश्यकता नहीं है, इस दुष्ट का अंत हम अभी कर देते हैं। दुष्ट का संहार करके देवगण एवं ब्राह्मणगण दोनों का उद्धार किया है। दुष्टों का संहार करना हमारा कर्तव्य है, वही हमने किया है। इसीलिए प्रभु, आज से आप व्याघ्रेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध होंगे। बोलो व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। Oh,
na 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 na